वाव, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आज मैं अपने ऑल टाइम फेवरेट साइंटिस्ट मिस्टर नवीन प्रयोगवाला के साथ रेडियो शो पर बात करने वाला हूँ। मुझे टेंशन के मारे कहीं अरे नहीं, मैं जब भी नर्वस होता हूँ तो मुझे अक्सर हिचकी आ जाती है। हाय हैरी, कैसे हो? मुझे रेडियो शो पर बात करनी है और अचानक मुझे फिर से। जब किसी को हिचकी आती है तो तुम्हें पता है कि क्या करना चाहिए? नहीं, क्या? तुमने मुझे क्यों डराया गमी? बड़े बुजुर्गों का कहना है कि हिचकी भगाने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। और देखो, तुम्हारी हिचकी बंद हो गई। क्या कहा तुमने? अब अगला प्लान। क्या तुम्हें पता नहीं कि कैसे भगाते हैं हिकप्स को? नहीं, बता। हम ये ट्राई कर चुके हैं। सॉरी। कोई बात नहीं, ये तुमने पहले भी किया होगा, पर मुझे लगता है कि शायद इस बार ये काम कर गया। बिल्कुल, तुमने तो कमाल कर दिया। I've got the hiccups till at night. Here comes another, and yet another. Tell me how to stop this blight. Why do I hiccup in the morning? Why do I hiccup still at night? Don't know what caused it. Wish I could stop it. Hiccups giving me a fright. I try to hold my breath forever. Tried to wash the hiccups down. I even tried to scare myself to stop that hiccup sound. अब अगला प्लान। मुझे लगता है कि अब हमें हिचकी भगाने के 105 तरीके वाली बुक पढ़नी चाहिए। ओके, अब अगला प्लान। गहरी सांस लो। ओके, अब अगला प्लान। अपना ध्यान ऐसी सारी एक्टिविटीज में बांटो जिससे कि हम भूल जाएं कि हमें हिचकी आ रही है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। बस करते रहो, तुम्हें हिचकी नहीं आनी चाहिए। काला, एक बात बताओ, हमें ये करने की क्या जरूरत है? क्योंकि ऐसा करने से हिचकी चली जाती है। पर हम दोनों को हिचकी नहीं आ रही। ये सेहत के लिए अच्छा होता है। शायद तुम ये भूल रही हो कि गमी को हिचकी आ रही है, हमें नहीं। और क्या तुमने देखा कि उसकी हिचकी बंद हो गई है? बस थोड़ी देर के लिए ही। ग्रैनी पीटर्स, अब आप ही कुछ करिए ना, हम दोनों तो सारे उपाय करके थक गए। सब कुछ ट्राई किया पर कोई भी आइडिया काम नहीं कर रहा। क्या तुमने हिप्नोटिज्म ट्राई किया? नहीं, हमने अभी तक ये नहीं ट्राई किया। क्या ये काम करेगा? तुम्हें अब हिचकी नहीं आ रही है। मुझे अब हिचकी नहीं आ रही है। मुझे अब हिचकी नहीं आ रही है। मुझे तो पहले से ही पता था हिप्नोटिज्म काम नहीं करता है। पर इसे रोकने का कोई तो तरीका होगा। ओके, हमने अपना आखिरी प्लान भी अपना लिया। ध्यान भटकाया, सांस रोकी, हिप्नोटिज्म भी ट्राई किया, पर कुछ भी काम नहीं आया। आपको क्या लगता है ग्रैनी पीटर्स? मुझे लगता है दोस्तों कि हमें ये प्लान भी ट्राई करना चाहिए। ये प्लान भी फेल हो गया। अब ज्यादा प्लान्स नहीं बचे हैं। इस हिचकी से तो मेरा सर फटा जा रहा है। हमें कोई ना कोई सलूशन तो ढूंढना पड़ेगा। आप ही कुछ बताइए ग्रैनी पीटर्स।
देखो मुझे लगता है। रुको, मुझे एक और ग्रेट आइडिया आया। एक और? हमें इसे पहले ही ट्राई करना चाहिए था। ओके, क्या तुम्हें पता है हिचकी भगाने का ये एक बेहतरीन प्राचीन उपाय है, जो है टंग ट्विस्टर। तो गमी, मैं जो कहती हूँ वो दोहराओ। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। मैं जानता था ये भी काम नहीं करेगा। अब हमारे पास सिर्फ दो प्लान्स बचे हैं। हम ये कर सकते हैं। इस हिचकी को आज किसी भी हाल में बंद होना ही होगा। आपने अभी तक हमें अपना आइडिया नहीं बताया ग्रैनी पीटर्स। दरअसल कुछ सोच नहीं पा रही हूँ, पर जो भी हो इसके लिए मेरे पास एक बढ़िया उपाय है, जो है चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। हम ये करके देख चुके हैं। अच्छा, सॉरी। हाँ, ये कर चुके हैं, फिर भी हिचकी नहीं गई। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, पता नहीं अब क्या करें। जितने तरीके थे वो तो हमने आजमा लिए, पर फिर भी उससे हिचकी नहीं गई। ये काम कर गया। मुझे लगता है कि इतनी देर से हम शायद गलत तरीके इस्तेमाल कर रहे थे। खैर, शुक्र है एक बात तो अच्छी हुई कि ये हिचकी की बीमारी अब हमसे दूर भाग गई। बस इसी की कमी थी, ये बीमारी हम सबको लग गई है। पर हैरी, ये इतनी बुरी बात भी नहीं है। पर ये बताओ, इस हिचकी से हम सबको कौन बचाने आएगा? देखो, किसी को जरूरत नहीं है हमें इससे बचाने की, क्योंकि ये बहुत ही मजेदार है। बस देखते जाओ।